सपने देखते हैं आप, सपने को सजोते हैं, सपने टूटते हैं, लेकिन सपने वही देखते हैं जो सपने को पूरा करने की कुव्वत रखते हैं। साहनी जी की ये ख्वाहिश है कि वो इंग्लिश चैनल को पार करे या इंग्लिश चैनल के इवेंट में हिस्सा लें। कुछ जानना चाहूँगा उसके बारे में। ये इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड में स्थित है और इंग्लैंड टू फ्रांस को जोड़ती है, ये 42 किलोमीटर की उसकी डेस्टिनेशन है जो दूरी है, और वहाँ जो चैलेंजिंग होता है वो जो माइनस वहाँ तापमान जाता है 8 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री तापमान जाता है, जो हमारे भारत में सबसे सर्द मौसम होता है, वहाँ पे उस तापमान को हमको कवर करना होता है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। वो एक हमारे, अगर मैं उस अचीवमेंट को हासिल करता हूँ तो ये हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, जो ये मेरा सपना है काफ़ी सालों से, ये मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। भीरगू बाबा की धरती बलिया के उस वीर से साहनी जी के, जिनके पैरों की अगर मैं बात बताऊं, पैरों से चल नहीं सकते, दिव्यांग है, और अंतर्राष्ट्रीय पदक पर भारत का नाम रोशन करना, डंके की चोट पर लगातार मेडलों का कारवा रुका नहीं, इसके साथ ही बलिया के लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए, लेकिन युवाओं के लिए बड़ा उदाहरण है। मैं चाहूँगा प्रेम शंकर मिश्रा जी से इनके पैरों को दिखाइए, और इनके पैरों को मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही मैं साहनी जी की बात आज दर्शकों आपसे साझा करने वाला हूं। 2012-13 का वो कारवां, तैराकी की हम बात करते हैं, अमेरिका के बड़े तैराक माइकल फेल्प्स की हम बात करते हैं, भारत के साजन प्रकाश की बात करते हैं, बड़े बड़े तैराकी हैं, मगर एक ऐसा तैराक जिसने नेशनल लेवल में मेडलों की झड़ी लगा दी और अंतर्राष्ट्रीय पदक पर भारत का नाम रोशन करने वाले हैं, मेरा ये सौभाग्य है, और मैं इनके चरणों में को बारंबार प्रणाम करता हूं। भैया, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2013 का वो कारमा तैराकी में आपने शुरू कैसे की, और ये सफर खत्म नहीं हुआ जो आज पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं जानना चाहूंगा साहनी जी से, जरा अपने पैरों को थोड़ा सा अगर इधर आप कर सकते हैं जरूर, मैं वही चाहूंगा। ये वीडियो मैं पूरे विश्व के उन समुदाय के लोगों को दिखाना चाहता हूं जो युवा खेलों की बात करते हैं, खेलों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मगर एक बहुत बड़ी मिसाल, नेशनल भी आपने काफ़ी खेले हैं। मैं चाहूंगा पहले नेशनल का कारवां आपने शुरू कैसे किया, सफलता की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जब मैं 2012-13 में नेशनल कुछ करने का जज्बा था, जब स्टार्टिंग किया था, तो मैं क्वालिफाई करने के लिए, जो कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को ये था कि कैसे मेरा भी नाम टीवी में पेपर में आए, क्योंकि ये जज्बा था, क्योंकि स्पोर्ट से जुड़ा था, मेरा ये दिमाग में बात आया कि मेरा भी टीवी और पेपर में न्यूज़ में आए, तो मैंने इसको लेकर अपना गेम प्लान किया कि मेरा कैसे आए स्पोर्ट्स में। तो मैंने तैराकी में जो थोड़ा बहुत आता था, तो मैंने अपना इस कारवा को अपने दताल हैं वहाँ पे मैंने शुरू किया। मैंने वहाँ पे पता लगाया कि इलाहाबाद में हमारा ट्रायल होने वाला है महाराष्ट्र के लिए, नेशनल गेम के लिए। मैं किस सन की बात है? ये 2012 की बात है। तो वहाँ पे मैंने क्वालिफाई किया, उसके बाद से मैंने गया, तो वहाँ पे पहला गोल्ड और एक कांस्य पदक लगा था महाराष्ट्र में। गोल्ड का तगमा, जिस पिता ने, जिस माता ने इन्हें पैदा किया, उस माता के चरणों को नमन है मेरा, और ऐसे वीर पुत्र को पाकर बलिया की धरती धन्य हो गई। गाजीपुर में ये आए हैं भैया, जब आपने शुरू किया होगा गांव के लोग रहे होंगे, हंसते भी होंगे कि आप कैसे तैर सकते हैं, या फिर बहुत सारी बातें भी लोग करते होंगे, आपने उनकी जुबान को आज बंद किया जो लोग आज देख रहे हैं, और उस सफ़र के बारे में मैं पूरी जानकारी जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लक्ष्य के लिए अगर अच्छा मार्गदर्शक है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर संघर्ष है, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, बस आप उसके प्रति एकदम ईमानदारी से कठिन मेहनत पे लगे रहिए। और मैं जो तैराकी का ये करवा है, तो आज इसकी बदौलत, आज जो एक पहचान बनी है, जो मैं तो खुद मैं चाहता हूँ कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने, जो उम्मीद हार जाते हैं, एक नई कमियाँ निकाल कर अपने परिजनों को कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, कोई ना कोई बहाना करके उसे लक्ष्य से भटकने का प्रयास करते हैं, बट अगर इंसान चाहे तो कि कोई भी चीज़ें जो वो प्राप्त कर सकता है, बावजूद किसी उसको ज़रूरत है उसको ना भी मिले तो। भैया, आप किस गांव से हैं? मैं बलिया जिला बाहरी विधानसभा से, ग्राम सभा हालपुर से हूँ। कितने भाई हैं आप? मैं दो भाई। अभी जो लोग देख रहे हैं, और पूरे भारत के जो लोग हैं, जो सरकारें हैं,
मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी की बात नहीं करता, मैं कमो बस ये आपको बता रहा हूँ कि गाजीपुरी नहीं बलिया में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पूरे भारत के लोगों से मैं चाहूँगा, जो भारत की सरकार आज मुझे देख रही है, इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कहा कि आपका चयन हुआ। जी बिल्कुल हुआ है, मैंने क्वालिफाई किया है। जो स्कॉटलैंड में अभी हमारा 48 किलोमीटर का एडवेंचर स्विमिंग हुआ है, अभी पिछले जनवरी में हुआ है। हम इंडिया से 4 लोग जा रहे हैं रिले स्विमिंग के लिए। एक महाराष्ट्र का स्विमर है, मध्य प्रदेश का है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और एक कोलकाता से। 4 लोग हम स्कॉटलैंड जाने वाले हैं। अगस्त में हमारा मतलब वहाँ गेम है। एक ऐसा तैराक जिसने भारत की सरजमी को गौरवान्वित करने का काम किया। मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आज, कुसुम तिवारी जी के सहयोग से मुझे ये वीडियो मिला, और मैं ज़रूर जब भैया इंटरनेशनल इवेंट को खेल कर आएंगे, मैं ज़रूर आपका इंटरव्यू लूँगा। और आपको मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएँ, आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।